हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्विल क्रिएशंस। आपने पेपर क्विलिंग के बारे में सुना होगा, बहुत सारे क्रिएशंस देखे भी होंगे और वीडियोस भी देखे होंगे, यानी ट्यूटोरियल्स की। मैं भी आपको ऐसे ही कुछ खास चीज़ें बनाना सिखाऊंगी जो आप घर पर थोड़े ही सामान में और आसानी से बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आप घर पर कैसे पेपर क्विल्ड एनवलप बना सकते हैं। अगर आपको ये कला पसंद है तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना सकते हैं जो आसान भी हैं और बहुत ही खूबसूरत भी। तो आइए शुरू करते हैं। ये एनवलप बनाने के लिए आपको लगेगा एक एनवलप जो आर्ट सप्लाई शॉप में या फिर ऑनलाइन मिल जाता है, फिर क्विलिंग स्ट्रिप्स जो पेटल्स के लिए और लीव्स के लिए डार्क और लाइट शेड, फिर फेविकॉल ऐसे बटन्स या फिर आप पॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ कट पॉल्स, और एक कोम यानी कंगी और सीजर्स यानी कैंची। तो ये रहा आपका सामान तैयार। अब हम एनवलप बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ऐसे पेटल्स बनाएंगे। उसके लिए आपको एक पूरा क्विलिंग स्ट्रिप लेना होगा और आप उसे हाथ से रोल करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप क्विलिंग नीडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर क्विलिंग नीडल ना हो यानी क्विलिंग करने की सुई, तो आप इसे हाथ से कर सकते हैं। मैं जनरली हाथ से ही करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे हाथ से कैसे बनाते हैं दिखाती हूँ। वो बहुत ही ईजी भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको उसके लिए अलग से क्विलिंग की सुई खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे धीरे धीरे करके आप रोल कर सकते हैं। एक हाथ से रोल करेंगे, दूसरे हाथ में आप कॉइल पकड़ेंगे और ये रही आपकी ऐसे टाइट सी कॉइल बन जाएगी। फिर उसे धीरे से लूज कर देना ऐसे करके, फिर उसे एक तरफ से ऐसे पिंच कीजिए, देखकर पिंच कीजिए, ठीक है। अभी हम उसे जो ओपन एंड है उसे हम फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल लगाते वक्त ध्यान रखिए कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, फिर उसे स्टिक कीजिए, फिर वो स्टिक हो गया। जो एक्स्ट्रा फेविकॉल आता है निकाल दीजिए अगर थोड़ा सा बाहर आए तो। ये बना आपका फ्लावर का पेटल। ऐसे और भी पेटल्स बनाइए इस तरीके से। अगर अब ये 5 पेटल्स का फूल है, इसीलिए 5 पेटल्स मैंने बनाए हैं। अब हम बनाएंगे इसके लीव्स यानी पत्तियाँ, वो डार्क हरे रंग में बनाएंगे। इसके लिए आपको हाफ लेनी है स्ट्रिप, हाफ स्ट्रिप यानी जो फुल स्ट्रिप रहती है उसे कट करके हाफ करके लीजिए। फिर उसे भी वैसे ही हाथ से रोल कीजिए जैसे हमने पेटल को किया था। अगर आपके हाथ को मेरे हाथ को थोड़ा फेविकॉल चिपका था, इसीलिए ऐसे ही रोल कीजिए। फिर रोल करते करते इसका भी वैसे ही टाइट कॉइल बन जाएगा और उसे भी थोड़ा लूज कीजिए। फिर उसे भी एक साइड से पिंच कीजिए अपने उंगलियों से, वैसे ही फेविकॉल लगाएंगे हम। अब इसे टूथपिक से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसे ऑपोजिट एंड में ऐसे पकड़िए और ट्वीज कीजिए ऑपोजिट साइड में। तो ये बन गया आपका लीफ, छोटा सा क्विल्ड लीफ।
ऐसे लीफ और भी हम बनाएंगे 3। तो ये बन गए हमारे लीव्स। तीन लीव्स है तो 3 ही बनाए हैं। अब हम देखेंगे इसका बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत बनने वाला एलिमेंट। ये जो आपको दिख रहा है ना क्रीपर की तरह, वो हम हमारे नॉर्मल कोम से बना सकते हैं। इसके लिए आपको लाइट कलर का लेना होगा स्ट्रिप, वो भी पूरा, हाफ नहीं पूरा, क्योंकि हमें दो बनाने हैं, इसीलिए पूरा स्ट्रिप लेंगे हम लोग और उसे इस कोम के साथ हम लोग बनाएंगे। पहले हम ऐसे कोम में उसे उसके जो बारीक दांत होते हैं उसमें डालेंगे। 2 दांत के बाद उसे नीचे खींचेंगे, फिर से 1 दांत छोड़कर इसे ऊपर खींचेंगे, फिर से 2 दांत के बाद नीचे 1 दांत छोड़ के ऊपर, फिर 2 दांत छोड़ के नीचे, फिर 1 दांत छोड़ के ऊपर। ध्यान में रखिए ऐसे 2 और 1 से 1 यानी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करने से वो खूबसूरत लगता है। अगर आप एक एक दांत का ही डिस्टेंस रखेंगे तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना इस टेक्निक से यानी इस डिस्टेंस से लगता है। तो ये 5 बन गए। अब हम उसे रिवर्स करेंगे और जो दिख रहे हैं हमें कोम पे उसके ये रिवर्स पार्ट्स, उस पर हम फेविकॉल लगाएंगे और उसे धीरे से चिपकाएंगे यानी स्टिक करेंगे। पहले उसे अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करें टूथपिक से और ऐसा करके चिपकाएं, यानी वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। उसे उंगली से दबाएं यानी वो ठीक तरह से चिपक जाए। थोड़ा समय रुकिए यानी एक कुछ सेकंड्स या फिर 1 मिनट तक, यानी वो फेविकॉल अच्छी तरह से सूख जाए, यानी आप धीरे से वो कोम से बाहर निकाल सकते हैं। ये रहा आपके क्रीपर का हाफ पार्ट। अब हम इसे यहाँ कट करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसका दूसरा पार्ट भी वैसे ही बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। अब ये हमारा हो गया। अब हम इसे बीच में स्टिक कर देंगे। 1 4 का और 1 5 का ऐसे मैंने बनाए हैं, यानी एक इवन एक और ऑड, यानी जो इवन रहता है यानी 5 वाला जो 5 लूप्स है वो उसमें जो उसका जो 5वां लूप है वो हम ऊपर की तरफ लेंगे। अब ये हमने स्टिक कर दिया, इसे धीरे से ऐसा थोड़ा सा शेप दीजिए, यानी वो नेचुरल लगता है ज़्यादा। तो ये बन गया हमारा खूबसूरत सा क्रीपर। देखिए कितना आसान और खूबसूरत है। ऐसे ट्वॉल्स या फिर स्क्रोल्स बनाएंगे, वो भी वैसे ही हाथ से ही बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान है बनाने के लिए। ऐसे छोटा सा पीस लेंगे, फिर उसे वैसे ही हाथ से रोल करेंगे। सिर्फ उसका पूरा एंड तक नहीं रोल करेंगे, अगर किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ज़रूरत नहीं है, और ऐसे उसे ओपन छोड़ देंगे। तो ये स्क्रोल बन गया। ऐसे ग्रीन वाले स्क्रोल्स हमने बनाए हैं 3। फिर हम बनाएंगे
ऐसे क्रीम कलर के स्क्रोल्स, तो इसे भी हमने वैसे ही बनाया जैसे हमने ग्रीन स्क्रोल बनाया था। करने में ये बहुत ही आसान है, कुछ बाद में कुछ ऐसे स्टिक भी नहीं करना है, उसका ओपन कर देना है एंड, और हाथ से कर सकते हैं, नीडल से करना चाहे तो नीडल से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। ये बन गए हमारे क्रीम कलर के स्क्रोल्स, थोड़े एक बड़ा थोड़ा छोटा ऐसा करिए, यानी सारे एक जैसे ना हो, थोड़ा सा नेचुरल लगे इसके लिए। तो ये हमारे क्रीपर्स, पेटल्स, लीव्स, स्क्रोल्स सब तैयार है। अब हम इसे एनवलप पे स्टिक करेंगे। स्टिक करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, यानी एक छोटी सी टिप है कि आप स्टिक करने से पहले थोड़ा सा अरेंज करके देखिए। यानी क्या हो कि आपको ऐसे ना हो कि बाद में ऐसे लगे कि नहीं ये अच्छा, इससे ज़्यादा ये अच्छा हो सकता था, तो हम लोग उसे पहले थोड़ा अरेंज करके देखेंगे, यानी पोजीशन हमें थोड़ी क्लियर हो जाती है उससे। तो ये हम अब अरेंज कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कि पूरा का पूरा कंपोजिशन आप अरेंज करें, लेकिन एक थोड़ा आइडिया आने के लिए कि कैसे हम कर सकते हैं अरेंज उसे। तो अब ऐसे थोड़ा रख के देखिए कि कैसे दिखेगा, ठीक दिखेगा ना। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, वो हमारे सामने सैंपल है, इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, लेकिन अब आपके सामने जब सैंपल नहीं होगा और आपको अपने आप से खुद से बनाना होगा, तो आपको वैसे करना होगा। फिर हम इसे स्टिक करेंगे जल्दी से, पेटल्स, इसके लीव्स और उसके स्क्रोल्स। यहां से मैं अपना वीडियो स्पीड अप कर रही हूं। अब हम यहाँ पर बीच में ये बटन लगाएंगे। अगर आपके पास ऐसा बटन ना हो तो आप हाफ कट पॉल भी लगा सकते हैं, जैसे हमने छोटे पॉल्स लगाए वैसे बड़ा पॉल भी मिल जाता है, आर्ट ज्वेलरी शॉप्स रहते हैं ना, वहाँ पे मिल जाता है। या फिर आप 3 mm के स्ट्रिप्स से ये भी बना सकते हैं, एक टाइट कॉइल और वो भी लगा सकते हैं। अब हम ये पॉल्स लगाएंगे थोड़ा उसे ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए, यानी वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ऐसे हाफ कट पर्ल्स बहुत सारे साइजेस में मिलते हैं और ये आर्ट ज्वेलरी शॉप्स में मिल जाते हैं आपको आसानी से। ऐसे एक एक करके हम इसे लगाएंगे। ये दूसरा और ये आखिरी स्क्रोल के यहाँ लगाएंगे 3 पॉल्स। ये आखिरी पॉल और ये हमारा बन गया एनवलप। बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत। आप किसी को भी ये दे सकते हैं मनी गिफ्ट करने के लिए, शादी में दे सकते हैं या फिर और किसी फंक्शन में। तो हमारा एनवलप है रेडी। अगर आपको ये छोटी सी ट्यूटोरियल पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने को ना भूलें। थैंक यू।